हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीनी वर्ल्ड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक सिंपल सा मेकअप रूटीन, जो कि मैं जिसमें यूज़ कर रही हूँ सिर्फ NYBE ड्यूरी ड्रॉप्स फाउंडेशन। और ये जो नंबर है वो है लैटे 02, जो मैंने परचेज किया है पर्पल ऐप से। स्टार्ट आवर मेकअप विद दिस प्रोडक्ट। आई विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ कंसीलर, एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन, ओनली यूज दिस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे मेकअप के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिया है फेस सीरम, और मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और फेस सीरम को अप्लाई करने के बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि मेरे फेस सीरम को अपनी स्किन पे लॉक कर दे। क्योंकि गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। आप चाहे थोड़ा मेकअप करो, चाहे ज़्यादा करो, बट अपनी स्किन को प्रेप ज़रूर करो, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। तो मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद अच्छे से उसे मर्ज करा अपनी स्किन में। देखिए, उसे सिंपली सॉफ्टली हैंड से मसाज करना है आपने। और ये देखिए, अच्छे से हो गई है मर्ज और मेरी स्किन सॉफ्ट फील हो रही है। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ अब प्राइमर, क्योंकि मेकअप की जो स्टार्टिंग होता है वो सबसे पहले प्राइमर यूज़ करने। मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, उसको जस्ट फिंगर से टैप करके मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेकअप नहीं करने जा रही हूँ। मैं जस्ट एक सिंपल डेली रूटीन का मेकअप का बता रही हूँ आपको, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट का यूज़ करूँगी मेन, और मैं कोई भी कंसीलर का यूज़ नहीं करने जा रही हूँ। और इसमें क्या है कि आपको अगर दिखेगा मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा ब्लशर ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना है इस मेकअप में, तो बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। और मेरी स्किन जो है प्रेप हो चुकी है। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं NYBE ड्यूरी ड्रॉप्स फाउंडेशन। और मुझे इसका सिर्फ एक ही पॉइंट लगा है, इसको जो इसके साथ कोई भी मतलब ड्रॉपर नहीं है, इसको निकालने में दिक्कत आ रही थोड़ी सी। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ एक सिंपल सा ब्रश, क्योंकि इसके साथ तो हमें कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। तो ये मेरा अपना ही पर ब्रश है, तो इससे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी इस फाउंडेशन को। और आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी कंटूरिंग वगैरह कुछ नहीं करा, ना मैं कोई कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ, और मैं जस्ट इसी फाउंडेशन के साथ ही अपना मेकअप करूँगी आज का। तो मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। और बस, तो इसे मैं स्पंज की हेल्प से इसको मैं अपने स्किन पे मर्ज करूँगी, अच्छे से अप्लाई करूँगी। मुझे लग रहा था कि शायद ये टोन मेरी स्किन के साथ मे बी मैच ना करे, बट जब मैंने इसे अप्लाई किया, आप देख सकते हो ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ ही जा रहा है। क्योंकि मुझे वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि जब मैं बाय कर रही थी कि मे बी ये फेयर कॉम्प्लेक्शंस के लिए है ज़्यादा, तो मुझे था कि पता नहीं मेरा प्रोडक्ट सही होगा भी या नहीं भी होगा, बट जब मैंने इसे अप्लाई किया तो सीरियसली ये मेरे फेस के साथ एकदम से सूट कर रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक क्लोजअप लुक भी दिखाऊंगी अपनी स्किन का, और आप देखिए ये अच्छे से कैसे मेरी स्किन में मर्ज हो गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी टू अप्लाई है, मतलब कोई ज़्यादा इसमें ये लगा मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बोलूँ ना कि ये थिकनेस है या अच्छे से मर्ज नहीं हो पा रहा है, बहुत ईजिली सॉफ्टली ये मेरी स्किन पे मर्ज हो गया, आप देख सकती हैं। ये देखिए मेरी स्किन पे एकदम से सूट कर रहा है ये, इसे अच्छे से मैंने कर दिया है अपनी स्किन पे अप्लाई। तो अब मैं इसे सेट करने के लिए अपने सेटिंग पाउडर, जो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर है, वो यूज़ करने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आपकी जो फाउंडेशन का कलर है आपकी स्किन टोन से थोड़ा वाइट हो गया है, तो आप ये जो आप यूज़ करोगे कॉम्पैक्ट पाउडर, थोड़ा सा अपने स्किन टोन की मैचिंग मतलब उसे आप सेट कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ अगर एक थोड़ा सा मतलब वो अगर लाइट हो गया है, तो इसे आप अच्छे से अपनी स्किन पे कलर को मैच कर सकते हो। तो मैंने इसे इसे सेट कर लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना आई मेकअप करूँ, पर वो भी मैं बहुत ज़्यादा लाइट ही करूँगी। और मैं, आप देख सकते हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, मैं इवन ब्रश भी यूज़ नहीं करूँगी, मैं जस्ट फिंगर से, क्योंकि मुझे जब बहुत क्विकली मेकअप करना होता है तो मैं ब्रश वगैरह भी यूज़ करना प्रेफर नहीं कर रही ज़्यादा। तो मेरा आईलाइनर, आई शेडो जो होता है वो मैं फिंगर से ही प्रेफर करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसमें लिक्विड आई शेडो अपनी स्किन पर लगाना है आईज़ पे, तो वो लग गया है। मैंने इसे लगाने के बाद मैं इस पर बहुत ही लाइट शेड का जो होगा आई शेडो होगा अपनी स्किन अपने आईज़ पर लगाऊंगी। बहुत ही नेचुरल पिंक कलर का ही मैं कर रही हूँ मेकअप, नेचुरल ही है, जो बहुत ज़्यादा दिन में मुझे और नहीं लगेगा। तो इसके साथ मुझे क्या है, मैं कोई भी ड्रेस पहन लूँ तो ये फेस मेरा अच्छा लगेगा उसके साथ, मतलब।
मैंने बहुत ही लाइटली वे में अपने आईज पे आई शेडो अप्लाई कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा इसे इसको हाईलाइट करने के लिए मैं इसके आई बॉल पॉइंट पे मैं थोड़ा सा एक वो लगाऊंगी हाईलाइटर टाइप शाइनिंग के लिए कुछ थोड़ा सा आई शेडो। ये देखिए मैंने एक लाइट कलर का जो आई शेडो है वो अपने आई बॉल्स पे लगा लिया है और देखिए थोड़ा सा ग्लो आपको दिख रहा होगा ना, तो मेरे लिए ये इनफ है। और अब देखिए बहुत ही नेचुरल लुक से मेरी आईज का कोई आपको ओवर मेकअप नहीं दिखेगा इस पर, बहुत ही सिंपल। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं आईलाइनर, और मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी अभी। आईलाइनर भी मैं बहुत सिंपल सा ही लगाने वाली हूँ, कोई ये नहीं है कि उसके विंग्स निकाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल आईलाइनर मैं अप्लाई करूंगी। क्योंकि मैं जो आपको ये मेकअप बता रही हूँ ये डेली रूटीन मेकअप है जो कोई कॉलेज गर्ल्स कर सकती हैं और हाउसवाइफ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, तो इसमें ये नहीं कि लगाने के बाद एक लगेगा कि हाँ एक डिफरेंट सा फेस, कि बहुत कुछ अप्लाई करा हुआ है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप लगेगा इससे। मेरा आईलाइनर लग चुका है, अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा लगाना मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मेरी जो आईलैशेज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं तो ये अप्लाई करती हूँ, इससे मेरी आईलैशेज़ और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ। मेरा आई मस्कारा लग चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं प्रेफर कर रही हूँ, वो भी मैं नॉर्मल शेड ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप कोई भी कलर लगाना चाहो वो आप ही मर्जी, अगर आप डार्क लगाना चाहते हो आप डार्क भी लगा सकते हो, अगर लाइट न्यूड लगाना चाहते हो तो न्यूड भी लगा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपनी चिक्स पे हाइलाइट्स लगा दूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया, कोई ब्लशर नहीं लगाया, बहुत ही नेचुरल वे में मैं इसको नेचुरल कलर है जो मैंने स्किन पे लगाया है, मैंने देखिए कोई भी ज़्यादा नहीं उसका दिख रहा, बट ये कि मेरा एक फेस नॉर्मल फेस मेरे डेली रूटीन के लिए रेडी हो गया है। सो गाइज आपको मेरा ये लुक कैसा लगा है और अपने व्यूज़ मुझे प्लीज़ बताना। और आप देखिए मेरी जो स्किन है, मैं बहुत ही क्लोजअप दिखा रही हूँ आपको मेरी स्किन का टेक्सचर जो ये मेकअप करने के बाद कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।